ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि DMD एक प्रोग्रेसिव सीरियस कंडीशन होती है जो प्राइमरीली लड़कों को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन में मसल्स यानी कि मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती है और ये कमजोरी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। DMD एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है। ये म्यूटेशन एक जीन को अफेक्ट करती है, डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करती है, जिसके एब्सेंस या खराब होने पर मांसपेशियां इजीली डैमेज हो जाती है। जीन म्यूटेशन यूजुअली माँ के थ्रू विरासत में मिलता है। DMD मोस्टली लड़कों को अफेक्ट करती है और लड़कियों में रेयरली होती है। लगभग 3,500 लड़कों में से एक को DMD होती है एंड सिम्टम्स जनरली 2 से 5 साल की उम्र के बीच शुरू होते हैं। DMD के शुरुआती लक्षणों में चलने, दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने में डिफिकल्टी, बार बार गिरना, काफ मसल के साइज का बढ़ना और बोलने में देरी शामिल है। जैसे जैसे DMD प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे जमीन से उठने में डिफिकल्टी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स, बाजू और पैरों में कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कई अन्य सिम्टम्स सरफेस होते हैं। DMD के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से मांसपेशियों की कमजोरी की जांच, जेनेटिक टेस्टिंग से डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन का आइडेंटिफिकेशन, मसल बायोप्सी से मांसपेशियों के सैंपल की जांच। मांसपेशियां जब डैमेज होती है तब क्रिएटिन काइनेज जैसे एंजाइम्स का ब्लड लेवल बढ़ जाता है। इसी एंजाइम लेवल्स को ब्लड टेस्ट करके मेजर करते हैं। DMD का ट्रीटमेंट इज सेंटर्ड ऑन मेजरली सिम्टम्स को मैनेज करना। इनमें मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, मोबिलिटी एड्स, रेस्पिरेटरी केयर और सर्जरी शामिल है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मांसपेशियों के डैमेज को स्लो डाउन कर सकती है। हार्ट की दवाइयां हार्ट प्रॉब्लम्स को मैनेज करती है। फिजियोथेरेपी और व्यायाम मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मांसपेशियों में टाइटनेस को रोकती है। ब्रेसेस कमजोर मांसपेशियों को सपोर्ट देती है और व्हीलचेयर चलने में डिफिकल्टी होने पर मदद करती है। छाती के मसल्स कमजोर होने पर सांस लेने में दिक्कत आती है, तब स्पेशलाइज्ड मशीनों की हेल्प से सांस लेना आसान हो सकता है। बाद में वेंटिलेटर की भी आवश्यकता लग सकती है। सर्जरी मांसपेशियों की टाइटनेस, वीकनेस या स्कोलियोसिस जैसे स्पाइन के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। DMD के साथ जीना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। DMD से अफेक्टेड लड़कों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है। उन्हें कपड़े पहनने और नहाने जैसे रूटीन काम में भी मदद लग सकती है। स्पेशल स्कूल या स्कूल अकोमोडेशन भी नेसेसरी हो सकता है। एक्टिव रहना जरूरी होता है लेकिन ओवर एक्सर्शन अवॉइड करें। DMD के साथ जीना इमोशनल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। ये परिवारों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऐसे समय काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद जरूरी होती है। DMD पर रिसर्च कंटिन्यूअसली चालू है। जीन थेरेपी एक ऐसा प्रॉमिसिंग एरिया है जिसमें साइंटिस्ट जेनेटिक म्यूटेशन को ठीक करने के ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। नई दवाइयों की टेस्टिंग की जा रही है। ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फ्यूचर में DMD से अफेक्टेड बच्चों के लिए होप ऑफर करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। एडियोस।